नमस्कार, आपण देखते अर्गस अपडेट आपस्मी प्रथम हेडलाइंस। गजपति में पुणी 13 कोटी 24 लक्ष गंजे चाष नष्ट, बुड़ुनी में महणा पुलिस अबकारी और वन विभाग मिलित चढ़ाऊ, 67 एकर संरक्षित जंगल में गंजे गछ काटि पड़िले। आज भारत बंद श्रमिक संगठन पक्षर देशव्यापी धर्मघट, 10 दफा दाबी नहीं रास्तार टायर जाली विक्षोभ प्रदर्शन, बंद रु अत्यावश्यक सेवा को बाद। आखिबु जिला जोड़ा मुंड शिशु कालिया एससीबी रे चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु, ट्वीट करी दुख प्रकाश कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। 2017 अक्टोबर 25 रे जगा कालिया जोड़ा मुंड अलगा करा जाय था। मंत्री नवदास को सोडामा षड्यंत्र विवाद, बेआईन भावे विशाल हाथेथिबा 8 एकर जंगल जमी को नहीं आज हाईकोर्ट रे सुनाणी, गतकाली विधानसभा रे प्रसंग उठाइले सुंदरगढ़ विधायक। परी हत्या घटना तदंत कर क्राइम ब्रांच, बाचस्पति रूलिंग सत्वे विधानसभा बृति में दिव्यशंकर मिश्र बृति में नाला मंत्री अरुण साहू का ना, धर्मेन्द्र कहले गृह राष्ट्रमंत्री बृति दुर्भाग्यजनक। आज संविधान दिवस बा जातीय आईन दिवस, डब्ल्यूआर आंबेडकर प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण कला बीजेपी, मुख्य अतिथि भाव जोगदे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। लैंडफॉल कला निभार, तमिलनाडु पुडुचेरी ठार स्थलभाग छुईला बात्या, पुडुचेरी और चेन्नई में प्रबल वर्षा, बात्या क्षयति सहायता जगह देवा प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति। पंचुगर द्वितीय दिन कोविड कटकणा मध्य घरे रही व्रत पालन करुछंती हविष्याली, पुरी में आज महाप्रभु बांक चोड़ा बेश। एबे देखिबा संपूर्ण खबर। गजपति जिला बुड़ुनी गाँ जंगल 13 कोटी 24 लक्ष टंका मूल्यर गंजे चाष नष्ट हो। गजपति एसपी तपन कुमार पटनायक निर्देश क्रमे मोहना पुलिस अबकारी वन एवं राजस्व विभाग मिलित भाव में मोहना तहसील बुड़ुनी ग्राम मौजार 67 एकर संरक्षित जंगल में चढ़ाऊ करते, सेठे चाष कर गंजे गछ को काटि पोड़ी नष्ट कर नष्ट कर गंजेर आनुमानिक मूल्य 13 कोटी 24 लक्ष टंका हेबो। एरे मामला रुजू कर बोली मोहना पुलिस थाना पक्षर सूचना मिले। गत 2 दिन तले जिला प्रशासन तरफ उक्त बुड़ुनी और कादमली ग्राम अंचल प्राय 86.04 एकर संरक्षित जंगल में चढ़ाऊ कर प्राय 17 कोटी 28 लक्ष टंका मूल्यर गंजे चाष को काटिपोड़ी नष्ट कर दिया जाए थला। दस दफा दाबी नहीं भारत बंद कर वाम दल। भारत बंदर प्रभाव भद्रक जिले में परिलक्षित हो। बंद छक निकट में केन्द्र श्रमिक संगठन आवाहन एआईसीसीटीयू बंद पालन करुच्छ। बंद छक निकट में एआईसीसीटीयू पक्षर 16 नंबर जातीय राजपथ अवरोध कर। बंद जो जातीय राजपथ में अनेक गाड़ी अटक रही पिकेटिंग हो। जिलार विभिन्न संगठन भिन्न भिन्न स्थान में बंद पालन कर दल। विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संगठन पक्षर आज देशव्यापी बंद और धर्मघट डाकरा दि जाए। रायगढ़ जिला गुणपुर विभिन्न संगठन एवं सीपीआई एमएल पक्षर बड़ी भोर बंद डाकरा दि जा। स्थानीय साउरा प्रधान गुड़ा छक निकट में संगठन पक्षर रास्तार टायर जाली अवरोध कर फल गुणपुर रायगढ़ पद्मपुर ब्रह्मपुर पारलाखेमुंडी प्रभृति स्थान को यातायात प्रभावित हो। सीपीआई एमएल नेता तिरुपति गमा नेतृत्व में विभिन्न संगठन पक्षर जमी जल जंगल जमी पट्टा जगैदे कृषि अध्यादेश बात धान एवं कपार सहायक मूल्य वृद्धि प्रभृति दावी में भारत बंद डाकरा दि जा। बंद डाकरा फल साधारण लोके असुविधार सम्मुखीन होते। तबे भारत बंद उपरे केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया देछन्ति आसु नजर पकाबा। प्रजातंत्र रे एटा ही तो विशेषता, समस्त निज निज कथा कहिबार अधिकार अछि, निज निजर मंतव्य दाबी गुहारी जणेबार अधिकार अछि। तो जो बंधु माने आज दिन को आज भलिया पवित्र दिन को निष्पत्ति कले
प्रतिवाद करिबार तांकु भी मु धन्यवाद दौछ। प्रजातंत्र संविधान एटा ही सब बड़ उपलब्धि। बाकी रहिला जो प्रसंग को लेकिन से माने आंदोलन करो माने भारत को पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष पुरुष धरिकी राज्य आ केन्द्र शासन करले विशेष करके कांग्रेस पार्टी जी आज देश को पछकु नहीं जीवार गोटे प्रमुख दायित्व जहाँ पाखे प्रमुख दोष जहाँ पाखे से मैंने आज कुंभीर कांदा कांदुंट। आज जो नीति सुधार नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देश में हो श्रमिक संपर्क मानक हो कौ सरकार समय भारतर दिन मजूरिया खटिकिया अस्थायी श्रमिक मानू स्थायी निजुक्ति पत्र मिलवार अधिकार सर्वनिम्न मजूरी अधिकार सामाजिक सुरक्षार अधिकार दि जाइला केवल विरोध छल विरोध कथा न बुझिकी विरोध से भाया कृषि संपर्क जो आईन संस्कार करागला ता द्वारा कृषि व्यापक विकास हम उन्नति हम मुझे किसी दिन ते गत धान खरीदी वर्षे पखापाखि 13,000 कोटी टंकार धान भारत सरकार ओडिशा रु केवल किनी जार मात्रा एथर बढ़िकी पखापाखि 15,000 कोटी टंका जीव धान केवल तथा अन्य कृषि उत्पादित विषय गुड़िक अच्छी द्रव्य गुड़िक अच्छी तेणु ये छलना को भारतीय लोक मैंने स्वीकार करने अवस्था नहांती। नरेंद्र मोदी नेतृत्व को भारत आज आशीर्वाद करी पाखे राजनीतिक मुद्दा ना इे सियाड़े बाछलामी कर। आसवा परवर्ती खबर को आज संविधान दिवस बा जातीय आईन दिवस ए अवसर रे आईन प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर बी आर आंबेडकर प्रतिमूर्ति रे भारतीय जनता पार्टी पक्षर पुष्पमाल्य अर्पण करा जाय छे। ए कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव रे जोग देथिले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आज सब भारतीय गोटे पवित्र दिन गौरव दिन 71 वर्ष पूर्वे स्वाधीनता परे तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व लंबा समय धरिकी वितर्क करिकी आधुनिक भारत पाई जो खसड़ा तैयारी करागला भारतर संविधान ताको आज दिन रे ग्रहण करा जायथिला तेणु आम समस्त याकु पालन करिवार आवश्यकता अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेबे दायित्व नेले तांको सरकार समय रे तांको कार्यकाल समय रे आजिर पवित्र दिन को संविधान दिवस भावे नामित करागला ताकु एक महोत्सव रे कारण आज जोटा आमको अधिकार मिलिछ कथा कहिबार अधिकार लेखिबार अधिकार जीवन बीतेबार अधिकार तथा अनेक मौलिक अधिकार आमको संविधान बाट देखाउछ संविधान अधिकार देछ से भले एक जो पाई लंबा समय धरिकी शताब्दी शताब्दी धरिकी भारत रे मोगल साम्राज्य ठु आरंभ करिकी ब्रिटिश साम्राज्य पर्यंत आमर नागरिक माने लड़े कर आसुले स्वतंत्रता परे आम ढांचारे शासन प्रणाली को चलेबारे संविधान आमको मान्यता देछि सामान्य गरीब खटिकिया लोक मानकु मौलिक अधिकार देछि से पाई आज यार प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तांको स्मृति को मन पकाउछन्ति आम समस्ते प्रतिमा रे पुष्पमाल्य अर्पण करिकी आज दिवस महत्व को आम समस्ते मन पकाउछन्ति। भारतीय जनता पार्टी या को एक सामाजिक उत्सव भावे पालन करिवार योजना करिकी आम समस्ते आज बाबा साहेब मूर्ति तले पुष्पमाल्य देकी आज दिन आम आम प्रतिबद्धता प्रकाश करू।
जोड़ामुंडा शिशु कालियार मृत्यु कटक एसबी हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे आखि बुझला कालिया समस्त प्रकार कागज पत्र काम सारिबा परे कालियार मृत शरीर को परिवार लोकंको हस्तांतर करा जायछे तेबे जगार स्वास्थ्य ठीक थिबा जणा पडछि। कंधमाल जिल्लार फिरिंगिया ब्लॉक मिलुपडा गांर जोड़ामुंडा शिशु जगा कालिया सेमानकर शरीर अलगा थिले भी जन्मरु दुहिंको मुंड लागि रहितला परे सेमानकु गुरुत्वपूर्ण ऑपरेशन पाई 2017 मसिया जुलाई 14 तारीख रे दिल्ली एम्स रे भर्ती करा जायतला। परीक्षा निरीक्षा परे सही वर्ष अगस्त 28 तारीख दिन प्रथम ऑपरेशन करा जायतला। से ऑपरेशन प्राय 25 घंटा लागितला। एहा परे अक्टूबर 25 तारीख रे द्वितीय ऑपरेशन होतला। दीर्घ 12 घंटा रो माराथन ऑपरेशन परे दुई शिशुंक मुंड अलगा करा जायतला। एहा परे एसीबी रे उभयंक चिकित्सा करा जाउतला। जगा भाई आप जगा का ना कि बड़ ना कौन जगह सानटा का कत वर्ष पड़े आयुष रे के दिन देस आज तार मान देह तो कले ना कि हाँ हाँ ठीक कौन बहुत मन दुखे अच्छा ना कि सारा दिन जगा कालिया को मुझे दिल्ली धरिकी भल करके आसली ओडिशा को हो मीडिया भाई मान को मोर बहुत बहुत धन्यवाद ओडिशा आसी एम्स रही बर्षे 4 मास 3 मास होला कालिया देह बहुत सीरियस होला। सीरियस होगा हेतु जो दिन सीरियस होती से दिन डॉक्टर मैंने आसिक सेंट्रल लाइन लगे आज कालिया जीवन चलीगला। बहुत आगुरी आम कहूल कालिया देह सीरियस सीरियस बोली बहुत जगह को जाइए समस्त की शुणे आज बहुत सीरियस होवर सब सार मैंने आसिले आगर जो एमती कही था कौन होता था भगवान को। जोड़ामुंड शिशु कालियार मृत्यु को नहीं दुख प्रकाश करिछन्ते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर से कहते समस्त प्रचेषा सत्वे कालियार जीवन बंचा जापारा ना एपरी दुख समय कालियार बापा माँ एवं परिवारवर्ग को समबेदना जनाइछन्ते धर्मेन्द्र। तेज आसवा परवर्त खबर उपर लैंडफॉल कला बात्या नेभा तमिलनाडु र पुडुचेरी ठार स्थलभाग छुईला बात्या भीषण सामुद्रिक झड़ भाव मध्य रात्रि लैंडफॉल करापर उत्तर उत्तर पश्चिम मुहां हो बात्या राति 11:30 to 2:30 मध्य लैंडफॉल कर समय पवन रेग 120-130 किलोमीटर रही है। बात्या प्रभाव में पुडुचेरी और चेन्नई में प्रबल वर्षा लगे रही लैंडफॉल पर दुर्बल हो भयंकर सामुद्रिक झड़ में परिणत हो बात्या आसंता 3 घंटे आहरी दुर्बल हो सामुद्रिक झड़ में परिणत हो सूचना मिले। हाइकोर्ट रे पंचला मंत्री नवदास को पुओ विशाल सोडामाल रे बेआईन भावे हाते थिबा जंगल जमी बेबाद रेंगालपाली गाँव न्यू लाइट युवक संघ एने हाइकोर्ट रे मामला रुजु करछन्ते जार सुनानी आज हेब। सेपटे विधानसभा रे नवदास को पुओंक नारे आसीथिबा एही जमी केलंकारी ने सरकारक उपरे बर्षंती सुंदरगढ़ विधायिका कुसुम टेडे आदिवासी को जंगल जमी को केमिति प्रशासन बेआईन भावे टेकी देला ताहाकु ने उठाइछन्ते प्रश्न। हाइकोर्ट रे झारसुगुड़ा सोडामाल जमी केलेंकारी घटना ओडुआरे जिला प्रशासन तहसीलदार आरआई चाप पकाई पुअर कंपानी ना जमी कराई नहीं नव प्रशासन को हाते ही बड़ षड़ नव प्रेसर आरआई दे भूल तथ्य विधानसभा भी उठिला जंगल जमी प्रसंग नजर पका तो झारसुगुड़ा कोलाबिरा तहसील सोडामाल अंचल जुआड़े देखिले बड़ बड़ गछ आउ घंच जंगल किंतु जनवरी 2020 रे राजस्व निरीक्षक देइथिबा ए रिपोर्ट को देखंतु एथिरे कुआ जाइछि ए अंचल रे कोनोसी बड़ गछ नाही केवल कुदा अछि खाली सेति कि नहि। नवदास को पुओ विशाल दास जमी पई आवेदन करबा गुरु 26 जुलाई 2019 रे सेतेबेर जिलापाल 8 एकर जमी लीड को मंजूरी देइथिले पुओ पई नवदास षड़यंत्र करिथिबार अभियोग होइछि मामला जाई पहुंचिछि हाईकोर्ट रे। रेंगालपाली गाँव न्यू लाइट युवक संघ बेआईन जमी हस्तांतर नहीं हाईकोर्ट रे मामला रुजु करिछन्ति। एपटे 26 तारिखर हेबा मामलार शुणाणी
ଆଉ ଏତ୍କି ମାନେ ଆମର ଗାଁ ବେଲେ ଚଲୁଛୁଁ ଗାଈ ଦାମୁର ଆମର ଚରାବା ଲାଗି ଜାଗା ବି ଆମେ ନ ହେତିକି ତେନ ଯଦି ଇଟାକେ ଯଦି ନବ ଦାସ ଯଦି ଫାସ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଉତରାବାଟା ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଚାପରେ ତଲ ନୁ ଉପର ଯେତ୍କି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍। ତ ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଯେନ୍ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେନ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍, ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଆମେ ଆମେ ଇଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେମୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଇ ଆଶା ଆମର ଅଛେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷା ପାଠ ପାଠ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ପାଠ ପାଠ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଯୋଗାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁଁ, ଆଉ ସେନେ ଆମେ ଯୋଗୁଥିଲୁ ବି କଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଆମେ ସବୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଆସିଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ନେତା ସେ କେବେ କେବେ ଏଇଟା ତା ନାଁରେ କରିପକେଇଛେ, ଆଉ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନେଉଥିମୁ ନୁ ଆଜ୍ଞା, ଯବ ତକ ଆମର ଜୀବନ ଥିବା ଆମେ କେହି ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ। ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ବିଧାନସଭାରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟେକି ଦିଆଗଲା, ସେ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋଡ଼ାମାଲ କହିକିରି ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଆଠ ଏକଡ଼ ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ବିଶାଲ ଦାସ କହିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଠ ଏକଡ଼ ଜମି, ସେଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ ନା କେଉଁ ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୋଡ଼ାମାଲ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଠ ଏକର ଜମି ଫେରାଇବେ କି ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ? ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବାକୁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ପରେ ହିଁ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରିବ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସେହିପରି ଅଧା ଦର୍ଶକକୁ ନେଇ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ଥିଏଟର, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଗହଳି ସୀମାକୁ ଚାହିଁଲେ କମାଇ ପାରିବେ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ କଟକଣା ଦେଖିବା ତେବେ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଅଫିସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 10%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ତେବେ ଅଫିସ୍ର ସମୟ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳିବ। ସେପଟେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇପାରିବ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ସେପଟେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କଟକଣା, ପୂର୍ବ ଭଳି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହେବ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 31 ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ପରି ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଅନୁସାରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ସେପଟେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ନୟାଗଡ଼ ପରି ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବଂ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଲେଖିଲେ କମ୍ ଚାପିଲେ ବେଶୀ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରାଜଧାନୀ, ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବିଧାନସଭା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦାବି ପରେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ 4.5 ମାସ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପରୀର ବାପା ଓ ମା। ବିଧାନସଭାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ହଇଚଇ, ତେଣୁ ପରୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠାଇଥିବା 4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି।
नजर पकातु गृहराष्ट्र मंत्री कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्रक बृति दुई पृष्ठार उत्तर में अरुण साहू संपृक्ति अभियोग पदुटीए भी ना तेरे अपहरण पर हत्या करृहराष्ट्रमंत्री आज गृह स्टेटमेंट रखाला आपण समस्ते से स्टेटमेंट को अनुध्यान कर घटना को वर्तमान राज्य क्राइम बोर्ड को क्राइम ब्रांच को तदंत करने निष्पत्ति ग्रहण कर गृहराष्ट्रमंत्री जो स्टेटमेंट रखिले आम कहीं सतोष नुह आप देखुवे आम मंत्री बहु विधायक मंत्री किसी संश्लिष्ट अच्छा कि कथा भी उठाई से विषय में मंत्री से स्टेटमेंट रखिले ना आम पचार कथा बाबुली ना किए तुम सागर कौन संपर्क से कह मंत्री कथा पड़ी था मंत्री तो मंत्री विषय नहीं तो किसी मंत्री उत्तर रखिले नंबर वन क्राइम ब्रांच को देदेलु ये खाली हास्यास्पद कथा क्राइम ब्रांच को दे राज्य ओडिशा पुलिस नब थाना वाला इनक्वारी कले आ भल करेंगे क्राइम ब्रांच ना आहरी विपद से बास्ट हे तेज क्राइम ब्रांच तदंत को नहीं खुशी नहांती परीर बापा मा पुलिस उपरे विश्वास तुटाई परीर परिवार क्राइम ब्रांच उपरे चाप पड़िबार संभावना अच्छी न्याय न मिलिले सीबीआई रो द्वारस्थ हेबे बोली कहिसंती परीर बापा मा क्राइम ब्रांच जदि प्रकृत रे से माने पाठ पढ़ी की चाकरी करछंती आउ देशर सार्वभौम रक्षा करे प्रकृत संकल्पबद्ध ताले से माने कोनोसी लाच फाच न खाई की कार चापरे न बसवर्ती न होई जदि तदंत करंती ताले से माने निश्चय सफल पाइबे आ जदि से माने सफलता नकरी कह चापरे ताले आमे सेथिपई सीबीआई तदंत करू आज्ञा आमे से कहूँ कि जदि क्राइम ब्रांच देखते क्राइम ब्रांच निरपेक्ष भाव तदंत कर प्रकृत आसामी धरू निर्दोष के दंड पा आम के चाहूनु से दोषी की धरिकी दंड दिं से जी हे दोषी दोषी की धरिकी उपयुक्त दंड दे आम खुशी हूँ अनेपटे परिपाई न्याय दबी रे विभिन्न स्थान रे दिन तमाम जळिछि असंतोषर निया भुवनेश्वर रे रास्ता गोल्हाइछि राज्य बीजेपी महिला मोर्चा बीजेपी राज्य कार्यालयरु भारी मास्टर कैंटीन छकरे विक्षोभ करथिले शताधिक कर्मी ओ नेत्री दल अभियोग करिछि हत्याकारी बाबुली नायक मंत्री अरुण साहूक छत्रछाया तले रही किडनी ओ आखि चोरी रैकेट चलाउछि मंत्री अरुण साहू को कुश पुतलिका दाह करने इस्तफा दावी करिछि दल से नयागढ़ और कटक परी हत्या घटना को नहीं आंदोलन को ओह्लाई बीजेपी से उत्कल विश्वविद्यालय छात्र संगठन परी को न्याय विक्षोभ कर गोटे छोटिया हत्या घटना कह ये गोटे षड़ जो षड़ से पिलार किडनी चोरी आखि चोरी आदि गोटे रैकेट अच्छे ये रैकेट को से दूर बसिकना मंत्री ही निजे संचालन करुँच ये कथा आज पर्दाफाश हो बाबुली नायक गिरफ होबार निहाती दरकार एवं मंत्री मध्य इस्तफा देवा दरकार जदि न्याय मिलिबार विलंब हुए बा न्याय न मिले सहजरे तेबे सब प्रकार आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करा जीवो भारतीय जनता पार्टी गणतांत्रिक पद्धति रे संपूर्ण अहिंस उपाय रे गण आंदोलन डा करा दबो एवं नयागढ़ बंद करा जीवो प्रशासन को अचल कर दिया जीवो जेते गोटे छुट्टिया झियो को न्याय दे पानंती तांकर निजर खोद दलर लोक को लगाई गोटे सात वर्ष कुनी झियो को मारुचंती आ से कोउ योग्यता तांकर अछि शिक्षा मंत्री बापई आमर दाबी से तुरंत शिक्षा मंत्री रु इस्तफा दियंत प्रथमे अपहरण तापरे हत्या मास परे मास बीतीगला हतभागा बापा मा दोषी को दंड और झीव पाई न्याय दबी रे प्रशासन रो पक्का पिंडारे पाद रगड़ी रगड़ी थकी जाई शेषरे आत्महुति उद्यम कले हेले बारंबार अभियोग सत्ते वर्तमान सुधा मुख्य अभियुक्त को धरिबारे सफल होई पारिनी पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज गत काली ओडिशा विधानसभा रे ओडिशा सरकार गृह राज्य मंत्री जो मंतव्य देटा बहुत दुखदायक से मंतव्य को देखिक समस्त को सब ओडिया लोक मान मन भितर गोटे आवेग और गोटे चिंता तो आसवा स्वाभाविक गत चारिमास धरिकी जो माने तार अनुसंधान करुले से माने कौन करुले कौन अवस्था हैला जे तार बापा माँ को ओडिशा विधानसभा आसिकी ए प्रकार एक अभावनीय पदक्षेप नवापाई पड़ा जो सब कथा गणमाध्यम को आसी जदि एगुड़िक सत मोर पूरा विश्वास जे यार अनुसंधान ठीक भावे हबो परी नारे ओडिशार विशेष करके छोट छुआ मानकर सुरक्षा झियो मानकर सुरक्षा कथा जोड़ी हो
ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ସମାଜରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ରହିବନି। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन में जोड़ी प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। दिव्य घटना को अनेक दिन बीतीगला, सब बड़ कथा बापा माँ जेहेतु आसी विधानसभा सम्मुखें आत्माहुति उद्यम करते क्राइमब्रांच तदंत अर्थात क्राइमब्रांच को तदंत निर्देश दि जाएगी। अंपटे बापा माँ निजे कहते जदि क्राइमब्रांच ए सठिक भाव तदंत नक सीबीआई तदंत दाबी करेंगे, किंतु सब भितर के परी हत्या प्रसंगे विधानसभा गृह राष्ट्रमंत्री बृत्ति प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो भाव में बाचस्पति रूलींग सत्वे विधानसभा बृत्ति दिव्यशंकर मिश्रा बृत्ति में नाला मंत्री अनुशंकना जहाँ कुछ धर्मेन्द्र कहते कि गृह राष्ट्रमंत्री बृत्ति अत्यंत दुखदायक। दिव्य देखु विस्मय निश्चित भाव गोटे अभावन परिस्थिति सृष्टि होता गोटे अभावन घटना सृष्टि विधानसभा सम्मुखें जोभि भाव पैर बापा माँ विधानसभा सम्मुख आसिले आत्माहुति उद्यम कले कारण न्यायिक व्यवस्था उपरू संपूर्ण आशा विश्वास भरोसा तुटी जाता गोटे आशा था विधानसभा सम्मुख कले हम तो न्याय मिलिबो से जो आज पर्यंत लड़ी आसुचे जो रही आशा विश्वास गोटे प्रकार न्याय देव विधानसभा विधानसभा जिते पर दिन अपराह अधिवेशन एक कथा चर्चा आलोचना है प्रथम विरोधी नेता प्रसंग उठाई गृह से कहते कहीं पर बापा माँ एठा को आसिले कहीं मास धरी घटना गोटे प्रकार तदंत भर रही जाती बड़ कथा हूँ जड़े स्थानीय नेता बा मंत्री संपुक्त कथा अभियोग आसुची यही सब प्रसंग को विरोधी नेता गृह उत्थापन करते अंपटे आप देखिए से दिन ही कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र हूँ कि संतोष सिंह सालुजा हूँ कि ताराप्रसाद बाहिंपति हूँ तमाम विधायक माने गृह हट्टगोल करते से दावी करते सब प्रसंग को बंद करवल परिप्रसंगे ही आलोचना कर जो मंत्री एथे संपुक्ति रही सीधा साल पचरा जाऊ सहित गृह राष्ट्र मंत्री ए प्रसंगे उत्तर रखु मुख्यमंत्री प्रसंगे उत्तर रखु विरोधी यह दावी अंपटे बाचस्पति से दिन ही रूलींग आनी रूलींग देते चारोटी प्रसंगे प्रथम प्रसंग था परी बापा माँ एठा को कहीं आसिले से द्वितीय प्रसंग था सेज किरोसीन ढाई कहीं आत्माहुति उद्यम करते तृतीय प्रसंग था तीन मास धरी यही घटना टी कहीं गढ़ी चली कहीं न्यायिक प्रक्रिया विलंब हो चतुर्थ प्रसंग था जड़े स्थानीय नेता ना संपुक्ति अभियोग आसुची यही चार प्रसंगे बाचस्पति रूलींग देते गत काली अर्थात गत काली जिते दिव्यशन मिश्र यही प्रसंग बृत्ति रखुते कहुला बाचस्पति गत काली से बृत्ति रखे बोली से समय गृह राष्ट्रमंत्री केवल दुई तीनो प्रसंगे बृत्ति रखिले कि चतुर्थ मेन प्रसंग जो स्थानीय नेता संपुक्ति अभियोग आसुची से प्रसंगे कौन पदटीए कहले जहाक नहीं विरोध हो गृह बाहर विरोधी हट्टगोल कर गृह बाहर विरोधी बृत्ति रखिंट तारा बाहन प्रति कहते क्राइमब्रांच तो हूँ राज्य पुलिस क्राइमब्रांच ये अधिक कौन कर क्राइमब्रांच ठू अधिक आशा कौन करे कारण विभिन्न समय क्राइमब्रांच जो आशा विश्वास कर तार गोटे निर्दिष्ट निर्यास पहुंची पारिनी क्राइमब्रांच एवं बड़ कथा हूँ जो मंत्री ना अभियोग आसुच्ची मंत्री को घंट घोड़ा सरकार चेष्टा कर अर्थात जेहेतु कैबिनेट मंत्री रही अरुण साहू उच्च शिक्षा मंत्री सहयोगी हिसाब से कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र खसाई देवा चेष्टा कर जो अभियोग संपुक्ति आसाला गोटे प्रकार से प्रसंग को एड़ाई जाती अंपटे आप देखिए आज केन्द्र मंत्री जो कथा कहते निश्चित भाव में यह गोटे संवेदनशील घटना परी भि गोटे पांच वर्ष झील को हत्या कराई प्रक्रिया जिते बारे न्याय द्वारस्थ हो स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन से अत्याचार अभियुक्त को पचराउरा बदल जो मैंने अभियोगकारी रही पर बापा माँ से बारंबार घर उठा नि घंटा घंटा धरी जेरा कराऊली कि धमक चमक दिया गोटे प्रकार सला सुतरा कराऊ जनक ना नहीं जातु जे यही लोक आपण को मारी आम आपको टंका देवु आम आपण झीर स्टाच्यू करदेबु आप गणमाध्यम आगे कौन बृत्ति रखते ना ये सब प्रसंग को देखिए केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निजे कहते कि गृह राष्ट्रमंत्री बृत्ति अत्यंत दुखदायक अंपटे कहपर कि मंत्री अरुण साहू को घंट घोड़ाऊ कि गृह राष्ट्रमंत्री देखु स्वाभाविक भाव में बाबुली नायक सीधा साल तो मंत्री संपुक्ति थवर अभियोग आसुची गत काली राज्य बीजेपी महिला मोर्चा पक्ष जो विक्षोभ कर विक्षोभ बेले आप देखिए जो चित्र सामना को आसी
ସେଥିରେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଏବଂ ବାବୁଲ ନାୟକ ପୁଅ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରହିଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାବୁଲ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇରାନୀ ରାୟ ବିଜେପିର ନୟାଗଡ଼ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁଲ ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଧରମ ଭଉଣୀ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାବୁଲ ନାୟକକୁ ଖସେଇ ଦେବାକୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଅଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଅଡିଓ ଶୁଣାଇଥିଲୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେ ଅଡିଓରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ସହ ସବୁ ରିଲେସନ କାଟିଦେବି, ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଠିକ କରୁନାହୁଁ, ତୁ ଲିମିଟେସନ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲାଣୁ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଏଭଳି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପରୀଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ? ତେବେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବାବୁଲି ନାୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଜରୁରୀ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠା କେଉଁ ସବୁ ଭିତରେ ପରୀ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ସରୁଛି ବ୍ଲଡିଙ୍ଗ ରଖିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।